बोला पटेला तू पट्टा तेरा मुंह दिखे दिखे ना मेरे मुंह दिखे तेरा हाय। अच्छा नहीं हो बता पेप्सी हाँ। तू जल्दी बहुत कर रहा आज जल्दी हाँ अच्छा अब ये सब काम है जल जल्दी करेगा आराम से कर ले आराम तो कर लो हाँ आ जाओ न्यू बोलो क्या पटेला तू पट्टा तेरा मुंह दिखे तेरा मुंह दिखे पटेला तू पट्टा तेरा मुंह दिखे तेरा मुंह दिखे पटेला तू पट्टा तेरा मुंह दिखे तेरा मुंह दिखे सुना दे मेरी चाल मटकनी दिखे शरम जो अरे हई अरे हई अरे हई अरे हई अरे हई अरे मेरी चाल मटकनी दिखे शरम जो पति लग जा नजर लुभाया की बे तेरी चाल मटकनी दिखे शरम जो लग जा नजर लुभाया की बे तेरे को कर लग जागी नजर तेरे को कर लग जागी नजर आधी जुबान तेरा क्या कस के पतला पतला तू पट्टा तेरा मुंह दिखे सुना दे देख मेरा गोरा रंग है अच्छा मुझे 117 से सूट चाहिए वो भी काले रंग का ब्लैक कलर का काले का हाँ कितने एक नहीं दो मिलेंगे एक नहीं दो हाँ। अच्छा दो दो हाँ। तो सुन ले मेरी बात सुना दे मेरा गोरा रंग से काला सूट सिमार ओ मेरी कल्लो मेरी मल्लो क्या मेरी कल्लो और मेरी मल्लो मेरी कल्लो मेरी कल्लो मल्लो मेरी कल्लो मल्लो मेरी कल्लो मल्लो मेरी कल्लो मेरी कल्लो गोरा रंग से काला सूट सिमार इसे गोरे रंग ने लगो मेरी पत्तार तेरा गोरा रंग से काला सूट सिमार Oh, yeah. 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 Oh, yeah.
कदर न जाने बाल माई घूट सबर के तेरा दुपट्टा तेरा मोदी के मोदी के तेरा मोदी के दुपट्टा तेरा मोदी के तेरा मोदी के तेरी हाँ मैं हाँ क्या हो तेरी हाँ मैं हाँ तेरी ना मैं ना तेरी हाँ मैं हाँ तेरी ना मैं ना यार दोबारा ना मिलने तू तो पैर सोंग की हांडगी ये यार दोबारा ना मिलने पैर सोंग की हांडगी ये यार दोबारा सरपंच जी को भी देख ले। हाँ हाँ सरपंच साहब हाँ ये मेरे से बहुत प्यार करते हैं हाँ। फरमाइश तो इन्होंने गाने की कर दी हाँ। लेकिन अब मैं इन्हें देख रही हूँ बैठे मिठा बना मिठा बना गुरुजी मिठा सुन ले मेरी बात हाँ। मेरी भरी जवानी के तुहर पढ़ ले और ईख नलान चाल घट मेरी भरी जवानी के तुहर पढ़ ले और ईख नलान चाल घट अच्छा हाँ। मेरी बात सुन ले हाँ। मेरे इसे मरद पल्ले पड़ा अच्छा। मेरा इसे मरद पल्ले पड़ा राजी घूट सवर के मैं पी के पतला पतला तू पता तेरा मोदी के मोदी के तेरा मोदी के पतला तू पता तेरा मोदी के मोदी के तेरा मोदी के मोदी के और सुने ये मोदी भाई हैं ना ना 500 रुपए में मोदी भाई और तू पागल तो ना हो गया मोदी बात हुआ ना ना मोदी भाई ना है इन्हों कह रहा दुपट्टा थोड़ा मोटो ले गई है गड़बड़ कर रहे हैं जी क्या कर रहे हैं तुझे तो देखे ही ना गए मुझे वैसे नो कह रहा मेरे से बहुत प्यार करा सरपंच जी हाँ पूरे प्यार करते हैं हाँ तो देख रहे हैं पता चल जा ये दुपट्टे के देखिए अच्छे दुपट्टे के देखिए उनसे ये कह दे की 500 रुपए में दुपट्टा नहीं आता और न लिपस्टिक आती अरे हई अरे हई अरे हई अरे हई अरे हई अरे कदम 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 तारे कदम तारे कदम तारे हई बताया हाँ के बताया हाँ बता बोल क्या बता तू गाना आलसी में बने फिरू घोड़ी 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 घोड़ा देख लो घोड़े की
बिल्कुल घोड़े की तरह ही मुंह चला रहा। भैया बैठ भी लिया घोड़ा पे। एक दो तीन तू मनो पीरू घोड़ी ताज मेहरी सिंह उस ताज मेहरी सिंह नहीं मिली जो ताज मेहरी सिंह नहीं मिली जोड़ी देख मस्ती कर अच्छा देख मस्ती कर पलवन सिंह फौजी सिंह सर धार रहे थे जिनका नाम सुना होगा जिनका नाम सुना होगा Oh,
बेटे पोते थे कुटुंब कबीला सारा था, कुटुंब कबीला सारा था। और जब पढ़े लिखे तालीम जानते घर में खुद गुजारा था। भगत सिंह ने जन्म लिया उसका बाप जेल में जा रहा था, बाप जेल में जा रहा था। अरे सिंहनी ने यो शेर चढ़ा रे, ओ सिंहनी ने यो शेर चढ़ा रे, सिंहनी ने यो शेर चढ़ा, सिंह का तोता चुड़ा होगा। सिंह सरे उतार रहे थे जिनका नाम सुना होगा, जिनका नाम सुना बना के टोली वो नाम देश में कर गया, नाम देश में करेगा। अरे ऐसा मली में गोला मारा, ऐसा मली में गोला मारा, ऐसा मली में गोला मारा, दूसरिया चुना होगा। सिंह सरे पार रहे थे जिनका नाम सुना होगा, जिनका नाम सुना होगा। जान लगी न प्यारी, जान लगी न प्यारी, और हंसते हंसते फांसी टूटा भाई, हुक्म हुआ सरकारी। प्रेम में भर के कथा बना दी, सुनो सभी नर नारी, सुनो सभी नर नारी। अरे लक्ष्मी चांद मन कांचे ना, लक्ष्मी चांद मन कांचे ना, लक्ष्मी चांद ब्राह्मण कांचे ना, वो मांगे ना भैया होगा। किशन सिंह सर पार रहे थे किसका नाम सुना होगा, किसका नाम सुना होगा।
का नाम सुना होगा। हो जले के दे दे करके खा ले हो उसने कौन जबर हो से हिरण गुरा मानस आंख बदल जा समझनिया की मर हो से हो हो बेटे दे दे भर के खा ले उसने कौन जबर हो से गुरा मानस आंख बदल जा समझनिया की मर हो से हो दादा ने सुनेगा क्या बताया वाला रुगरा चाले धरती हाले रुगरा चाले धरती हाले हर इंसान डरे उसके ध्रुव भगत और ध्रुव भगत और सप्त ऋषि का दीन ईमान डरे उसके महाभारत और भगवत गीता महाभारत और भगवत गीता वेद पुराण डरे उसके हर के ज्यादा जिक्र करूं जब खुद भगवान डरे उसके और के ज्यादा जिक्र करूं जब खुद भगवान डरे उसके खानदान के बालक ने तो खानदान के बालक ने तो जब जान का डर हो से हो हो बेटे के दे करके खा ले राजा होता है एक जो रंक होता है। समय इतना बलवान हुआ करता है कब रंक को राजा कब राजा को रंक बना दे कोई नहीं जान पाया। लेकिन समझाया कि जब इंसान के पास में पैसा होता है दौलत होती है शोहरत होती है तो जो अपने होते हैं उनको भी बेगाना कर देता है और जब वो सब कुछ खत्म हो जाता है तो इंसान के पास में सिर्फ इंसान रह जाता है सिर्फ भाईचारा ही काम आता है। इसलिए समझाया है दूसरी कली के माध्यम से क्या बताया परमेश्वर ने दो जात बना दी परमेश्वर ने दो जात बना दी बेटा और साहूकारा जिस मानस के तोता आजा भाई दे तुतकारा जिस धोरे दो आने हो जा सबने लागे प्यारा एक पेड़ पे कई फल लागे कोई मीठा कोई खारा एक पेड़ पे कई फल लागे कोई मीठा कोई खारा और तोते के माँ बालक बिक जा तोते के माँ बालक
झुंड के कई सर कंडे, एक झुंड के कई सर कंडे, करतब न्यारा न्यारा, एक सुरवे की कलम बने और एक काछा पर ढारा, एक मिट्टी के दो बर्तन हो अलग नमूना तारा, एक में घल जा एक में घल जा, गंदा पानी एक बढ़ता घी का बारा, एक में घल जा गंदा पानी एक बढ़ता घी का बारा, बरते पाछे तोल पटेरे, बरते पाछे तोल पटेरे, किससे कौन जबर हो से हो करके खा ले, साफ साफ शब्दों में बताया कि टोटा नफा तो आता जाता रहता है, कोई भरोसा नहीं है आज जो हमारे पास में है, आने वाला कल उसको हमारे पास रखेगा या नहीं रखेगा, आने वाला जो कदम है वो खुशियां देगा या गम देगा कोई नहीं जान पाया, लेकिन इंसान को हमेशा ईमानदारी रखनी चाहिए और जब तक हो सके, जब तक उसके हाथ पैर कार्य करे, जब तक उसे हमेशा कमा करके खाना चाहिए, कभी दूसरे का लेकर के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब अंतिम समय आता है और जो इंसान विदा लेकर के ईश्वर के पास जाता है तो दो चीजें उसके साथ जाती हैं, अच्छाई और बुराई। गांव के बाहर भी नहीं निकलते हैं लोग जब बुरे इंसान को लेकर के चलते हैं, कह देते हैं बहुत बढ़िया होया जी, बड़ा बेईमान आदमी था, बहुत बेकार था, चला गया, पाप कट गया, बढ़िया होया। लेकिन जब वही किसी अच्छे इंसान को लेकर के जाते हैं, कई कई गांवों में रौला होता है कि फलाना आदमी खत्म हो गया, बहुत बढ़िया आदमी था, इसलिए चौथी कड़ी के माध्यम से कभी ने क्या समझाया वाला। फिर आदम देह में जन्म धार के, आदम देह में जन्म धार के, करके खाना चाहिए, गिरता गिरता मानस गिर जा, किते ठिकाना चाहिए, जो भाई का काम ओटले परण निभाना चाहिए, लक्ष्मी चंद जैसा गाया करे था धर्म का गाना चाहिए, लक्ष्मी चंद जैसा गाया करे था धर्म का गाना चाहिए, गांव बीच में तखत घले जिब, गांव बीच में तखत घले जिब, एलम छोड़ दी करो से भर के खाले, उसने कौन जबर हो से उभरा मन से, आंख बदल जा समझ लिया कि मर हो से करके खाले। धन्यवाद। मैं उसे समुंदर मानू, दिग्गज जिसमें हो गहराई,
अरे धर्म युधिष्ठिर सहमत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई नहीं हो कर्ण तुम्हारा भाई मैं उसे समुद्र मानू हूँ जिसमें हो गहराई धर्म युधिष्ठिर सहमत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई नहीं हो कर्ण तुम्हारा भाई अरे फिर पाछे पछतावेगी जो एक बार खुलता बात दिखे सुनने वाला नहीं मिलेगा जग में तेरी सिकात दिखे सूर्य ग्रहण सा हो जाएगा दिन की बदले है कि रात दिखे राजपाट और बहु बेटों से तू धो बैठेगी हाथ दिखे धो बैठेगी हाथ दिखे अरे अपने हाथों अपने आगे अपने हाथों अपने आगे कर ले खड़ी तबाही धर्म युधिष्ठिर सहमत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई हो कर्ण तुम्हारा भाई सुर एक तर्ज एक रागनी एक कलाकार तीन आपके बीच में गा रहे हैं अपने अपने अंदाज में अपने अपने लहजे में क्योंकि हर कलाकार का अपना गाने का नजरिया हर गाने का कलाकार का तरीका अलग हुआ करता है इसी सुर से इसी रागनी की दूसरी कली भाई बिशन सिंह इंदौर आपके बीच में रखेंगे चलिए कहने लगे अरे माँ अगर इस बात का भेद मुझे पहले अगर पता होता तो मैं ये काम नहीं होने देता रो करके कहने लगा आइए नंबर दो में कैसे कहने लगा क्या बताया अरे पहले खुल जा अरे पहले खुल जा भेद अगर यो जाल रचाने ना देता तेरे साल बनों में काटे धक्के खाने ना देता अपने घर की लाज बहू दरबार में लहाने ना देता चाहे किन्नर करता जोर चीर के मैं हाथ लगाने ना देता इतनी कह के करण बलि की इतनी कह के करण बलि की भर के छाती आई धर्म युधिष्ठिर सहमत कहिए करण तुम्हारा भाई रे हो करण तुम्हारा भाई पहले खुल जा भेद अगर ये जाल रचाने ना देता जो तेरे साल बड़ों में काटे वो कष्ट उठाने ना देता मैं अपने घर की लाज बहू दरबार में जाने ना देता चाहे इंदर करता जोर चीर के मैं हाथ लगाने ना देता और इतनी कह के करण बलि की फिर भर के छाती आई धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए करण तुम्हारा भाई सजनों आंखों में आंसू आ गए एकदम से हिया भराया करण बलि का और कहने लगे हे महारानी जो भी योजना मेरे भाइयों के खिलाफ बनाई गई पांच पांडवों के खिलाफ बनाई गई उन सारी योजनाओं में मौजूद था हमारी छोटे भाइयों की पत्नी को भरी सभा के बीच में नग्न करने की कोशिश की गई
दुशासन खींचता घसीटता हुआ दरबार के बीच में लेकर आया। अगर जब मुझे पहले मालूम होता कि ये मेरे छोटे भाइयों की पत्नी है तो दुशासन और दुर्योधन की तो हिम्मत क्या। अगर जो देवताओं का राजा इंद्र भी आकर के द्रौपदी के चीर को छूने की कोशिश करता तो इस करण बलि के होते हुए संभव नहीं था। महारानी आपने बहुत देर कर दी, आज मेरे भाई अपने मंजिल के करीब आए हैं। अगर जो तूने ये भेद उन्हें बता दिया तो क्या हो जाएगा तीसरे नंबर पे? क्या बताया भाई? सब घटाना नहीं बताया। वो टोल के मंजिल तक आए, वो टोल के मंजिल तक आए, अज डुले डुलाए रह जाएंगे। हृदय अंदर घाव छुले, वो छुले छुलाए रह जाएंगे। रुपलवानों के पान जोर पे तुले तुलाए रह जाएंगे। फिर तेरे बहू के बाल जगत में खुले खुलाए रह जाएंगे। फिर तेरी भी क्या मेरी भी ना, तेरी भी क्या मेरी भी ना, इसमें बाल भलाई धर्म युद्ध सर सहमत कहिए करूं तुम्हारा भाई ना, करूं तुम्हारा भाई। खुल जाएगा हो भेद बात का खुल जाएगा तो मैं मोर धर्म उठ जाएंगे। एक बोल में पता नहीं किस किस के प्राण टूट जाएंगे। मुझसे पहले भीम बलि के तन से प्राण छूट जाएंगे। कुछ मरे कटारी मार और कुछ विस्के घोट घोट जाएंगे, विस्के घोट घोट जाएंगे। अरे पूरा परण करण की तरह, पूरा परण करण की तरह बैठे बांस लगाई धर्म युद्ध करे सहमत कहिए करण तुम्हारा भाई रहो, करण तुम्हारा भाई। क्या कहते भाई सिखाया है? साथियों मन का भाव ऐसा हुआ करता है कभी कभी, कभी भी इतनी गहराई में चले जाते हैं कि जहां तक रागिणी पूरी होती है उससे भी आगे रागिणी को बढ़ा दिया करते हैं। रागिणी के अंदर हम हमेशा ज्यादातर चार कली हुआ करती है, लेकिन इतने भाव विभोर हो गए गुरु स्वर्गीय लड्डन सिंह जी, इतने रागिणी में डूब गए के चार कली की जगह उन्होंने पांच कली इस रागिणी के अंदर लिखी। और पांचवी कली के अंदर क्या लिखा तीनों कलाकार बताएंगे। क्या बताया भला? ओ दुनियादारी के झंझट में, दुनियादारी के झंझट में मान के झूठ बैठ जाएगा। इज्जत और आबरू धन की सह के लूट बैठ जाएगा। इन बातों का जिक
कर राजबल भर के घूट बैठ जागा। मेरे पता नहीं है कह लटर सिंह किस करवट ऊट बैठ जागा। करवट ऊट बैठ जागा और हाथ जोड़ के अरज करो हो। हाथ जोड़ के अरज करो हो। पाने तुझ की पाई धर्म युग चाहे सेवक कहिए कर तुम्हारा पाई न हो कर तुम्हारा भाई। मैं उसे समुद्र मानू हूँ उसे समुद्र सहमत कहिए पर तुम्हारा भाई रहो पर तुम्हारा भाई भाई। हे रमन चंगे से घूम लिए जगियो सारा अपना घर हो से हेरे दुनिया में इज्जत का रखना सबसे मोटा हो से। मन चंगे से घूम लिए जग सारा अपना घर हो से। वो दुनिया में इज्जत का रखना सबसे मोटा हो से। मन चंगे से घूम लिए चले मुकदमे कोर्ट जेल से रे पढ़ के कोई खींच नहीं। चले मुकदमे कोर्ट जेल से पढ़ के कोई खींच नहीं। जो कर्ज काट के हाथ हिलाते उस पे बड़ा गलीच नहीं। तड़फे आत्मा चल प्याते कहीं रे होती ऐसी सीच नहीं। आत्मा चल प्याते कहीं होती ऐसी सीच नहीं। बेशर्मी में बेशर्मी में बीच नहीं। आंखों की गिरी नजर से दुनिया में इज्जत का रखना सबसे वो नजर हो से। मन चंगे से घूम लिए भगवान से बड़ा दर्जा गुरु को दिया जाता है क्योंकि गुरु ही एक ऐसा माध्यम हो सकता है जो आत्मा को परमात्मा से सीधा मिलाने का काम करता है वो गुरु करता है। दूसरी कली में कवि ने और क्या क्या दर्शाया क्या बताया भला क्या बताया भला। गुरु ज्ञान गुण से बढ़ के भाई गुरु ज्ञान गुण से बढ़ के कोई जग में वस्तु मांग नहीं। अन्न रोटी भाई अन्न रोटी भूखे न दे दे बढ़ के कोई दान नहीं। जो अन्न रोटी भूखे न दे दे बढ़ के कोई दान नहीं। जो धन दौलत के पाछे भागे इंसान नहीं। घर आए थे मीठा बोले रे पढ़ के कोई सम्मान नहीं। जो घर आए थे मीठा बोले पढ़ के कोई सम्मान नहीं। फिर उससे कोई
कोई परेशान नहीं, जब गिरती हुई उम्र से वो दुनिया में ही चमकार था, सबसे वो नजर हो से पर चंदे से घूमिए। श्रोता बैठे हैं, दो कली मैंने इस भजन की उपदेश की आपके बीच में रखी है, सच्चाई से अगर दोनों कली समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है तो एक बार जोरदार ताली आपके द्वारा होनी चाहिए, जोरदार ताली। तीसरी कली में कवि ने बताया कि इंसान के जीवन में परमात्मा का भजन बहुत जरूरी है, साधु संतों की संगत बहुत जरूरी है, और जो इंसान भगवान का भजन नहीं करता, साधु संतों की संगत नहीं करता, उसको कहीं जगह नहीं मिलती। तीसरी कली में सुनिए क्या दर्शाया वाला। सत्संगत हरि भजन बिना भाई, सत्संगत हरि भजन बिना नरे यूं ही भटकता फिरया करे, कच्चा घड़ा पाप का ओसेर कुछ दिन पाछे झड़िया करे, कच्चा घड़ा पाप का ओसेर कुछ दिन पाछे झड़िया करे, और तारू दुश्मन दहशत से नर पे आई के मरिया करे, कुकरम केवल कुकरम केवल चढ़े शिखर पैर सदा जगत में क्रिया करे, जो कुकरम केवल चढ़े शिखर पैर सदा जगत में क्रिया करे, वही करे कर्म ने हो करे कर्म ने बढ़िया करे, भाई जति चोर चार जगरे हो से वे दुनिया में ही चक्का रखना, सबसे वो नजर हो से हो मन चंगे से भूलिए। सुनाने जा रहा हूं, चौथी कली को जरूर ध्यान से सुनना। अगर एक परिवार में दो भाई हैं और दोनों भाइयों में आपस में प्यार है, प्रीत से रहते हैं, तो उससे बड़ा परिवार कोई दुनिया में दूसरा हो नहीं सकता। अगर दो भाई हैं और दोनों भाइयों में आपस में प्यार नहीं है, तो उससे बड़ी दीवार इस दुनिया में नहीं हो सकती। चौथी कली में कैसे तोड़ कर ये बताया भला, क्या बताया? सभी परिवार नहीं, जहां सास ससुर जहां सास ससुर पति सेवा ठावे ऐसी कुलवंती ना नहीं, जहां सास ससुर पति सेवा ठावे ऐसी कुलवंती ना नहीं, जहां भाई भाई में प्यार रहे से पढ़ के कोई दीवार नहीं, कह गर्म पाल कम कम खाए बिन रे इस जग में सत्कार नहीं, कह गिरम पाल कम कम खाए बिन इस जग में सत्कार नहीं, भाई हर का खुलिया हर का खुलिया द्वार नहीं, अधर्म की ना भवन हो से वो दुनिया में ही चमका रखना, सबसे वो नजर हो से वो मन चंगे से घूम लिए जगे, सारा अपना घरे हो से वो दुनिया में ही चमका रखना, सबसे वो नजर हो से मन चंगे से घूम ले। हाँ मरूंगा, अच्छा
दूंगा महाराज, बिल्कुल मरण नहीं दूंगा, घबरा मत ना, तू कह दे। हाँ मरूंगा बतला दो ये भेद, हाँ खेती है पर ये आरजू ने को मारी, मरूंगा बतला दो ये भेद, जब करण बच्चा कट जाने से कारण हो सपासी क्यों रथ मेरा तीन कदम हम जाने से, कारण को सपासी क्यों रथ तीन कदम हम जाने से, ओ मैं तो गया मान मन में, मैं तो गया मान मन में, जिनकी होगी रात अर्जुन इस रण में, जब यो ढंग है फिर आगे क्या हालात अर्जुन, बिगड़ जाएंगे होश सुन ले राज की है बात अर्जुन, बिगड़ जाएंगे होश सुन ले राज की है बात अर्जुन, हो कते मुख से दूं मैं काट हाथ फेर, हो तेरा धनसारी करूंगा से युद्ध नहीं होगा जैसे आप करवाना चाहते हो। युद्ध तो इसी प्रकार से होगा अर्जुन, ऐसे नहीं होगा महाराज, लेकिन जब थोड़ा सा तेरा नखरा ढीला हो जाएगा, जब नखरा ढीला नहीं महाराज, नखरा मेरा ढीला नहीं हो सकता, पता है मैं किसका शिष्य हूं। अजय हाँ, तुझे मैं सच्चाई बता दूंगा। अच्छा तो तेरी गर्दन ऊपर उठने वाली नहीं है अर्जुन। महाराज मेरी सदा गर्दन ऊंची रही है, नीचे टिकने वाली नहीं। ऐसा एक भी काम इस करण ने मेरी नजरों में नहीं किया जिसे मैं करण को कुछ मान सकूं। तेरी नजरों में अहंकार आया हुआ है अर्जुन। अच्छा जब तेरी नजर बिल्कुल साफ हो जाएगा तेरा त्योर, अच्छा जब तुझे करण मिली तो चश्मा चढ़वा लूं। सच्चा योद्धा नजर आ नहीं तो और कुछ सौदा है मेरे पास में जो तेरे जो है त्योर को निखार सकता है। नहीं दवाई भी है इधर पास में, दवाई भी बटरी, अगर कहो तो दवाई डाल लो आखन में। तेरी आंखों में ममीरा डालना पड़ेगा अर्जुन। हाँ ममीरा डालना पड़ेगा। हाँ। और कानों में मेरी बात सुन ले महाराज। क्यों ही
पूछता करने तीन कदम तीन लोग हम पैसे मारे भर कह जो सुरे जो सुरे मारे भर कह जो सो सुनई सामने आ जाए ना, जब भी मैं दहशत खाने वाला नहीं हूं। शायद आपको पता नहीं है, वैराट नगर में राजा कवलनैन की गायों को छुड़वाने के लिए गया था। सारे योद्धा जो मिले थे वहां पर एक बाण चलाया था। उनका यह पता जानता नहीं था। हूं उनका यह पता नहीं था कि वो योद्धा कहां पर है। मैं जानता हूं तू वैराट नगर का उस समय का जिक्र कर रहा है जब तूने संमोहक बाण चला करके हां और सभी योद्धाओं को मूर्छा ला दी थी। हाँ, लेकिन अर्जुन ये वैराट नगर का युद्ध नहीं है। ये वैराट नगर का गऊ घेरने वाला युद्ध नहीं है। इस रणभूमि में भी यही योद्धा है जो वहां पे थे, ये वही होता यहाँ पे। दादाजी कभी कभी ऐसा भी तो हो जा, कमजोर पहलवान बहुत है कट पहलवान में एकदम पटकी लगा जा। एक बार लगा सकता है, बार बार नहीं लग सकता महाराज। बस तो इसी बात को सोच ले। हाँ, मैं बार बार पटक लगाऊंगा और करण को मारूंगा आज। तू भी एक बार ही पटकी लगा पाया है, दोबारा तेरे बस का है नहीं। अच्छा हाँ। तो मेरी बात सुन लीजिए महाराज। पहले मैं बता रहा हूं तुझे। हाँ। जिस कर्ण बलि की तू चर्चा कर रहा है, जिस कर्ण बलि की तू चर्चा कर रहा है, ये कोई सामान्य योद्धा नहीं है। अच्छा, कर्ण बलि का भेद इस तीसरी कली में बताऊंगा तुझे, पूछ। सुन लीजिए महाराज, दिखाई मेरी बात सुन ले महाराज। ऐसे ही तो दिखाई देना बंद हो जाएगा। अंधा कर दूंगा, अंधा सगले योद्धा अंधा कर दूंगा महाराज। अंधा तो बेटा तू ही हो रहा, तुझे सही दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, मुझे सही नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ। 16 दिन युद्ध तो हो गए और बहुत युद्ध मैंने प्राचित करे हैं, भगा भी दिए हैं। आज सेकंड लास्ट डे है ये युद्ध का। अच्छा, 7वां दिन है। तो महाराज मेरी बात सुन लीजिए, कर्णों से नहीं करूं तीन लोक पाछे हटके बात कहां हृदय में धरूं दिया ना दिखाई कुछ भी कैसे मैं यकीन करूं दिया ना दिखाई कुछ भी कैसे मैं यकीन करूं। बाबा अगर जो इजाजत हो तो दिखा दियो, इसे दिखा दियो, तो ताली बजा के एक बार आशीर्वाद दे दो जोरदार तालियों से। हनुमान रथ की बुर्जी पे। अच्छा बिल्कुल, हनुमान रथ की बुर्जी पे बल उसका बिझाड़ दिया शेषनाग, शेषनाग रथ के पहियों में तेरा फिर भी रथ उखाड़ दिया तीन लोग मेरे भूखे अंदर भूखे सर न फाड़ दिया तीन लोग हो देख के भूल गया आसान गिरा कापे
महाराज। सौ कर्णों से लड़ने की बात कर रहे थे अर्जुन, आप तो एकदम से उस अवस्था में आ गए जिसमें आपका एक पैर मुड़ा हुआ है। महाराज, अहंकार की पट्टी मेरे आंखों पर बंधी थी, मुझे नहीं पता था कि करण इतना भी धनुधारी। दोबारा सुन ले अगर जो तेरी समझ में सही तरीके से नहीं आई हो। महाराज मेरी समझ में आ चुकी है। देवताओं में सबसे ज्यादा बलशाली देव कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी हैं? हाँ। तो हनुमान जी तेरी रथ की बुर्जी पर बैठे हुए तेरी रक्षा कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं महाराज। पाताल का राजा शेषनाग, हाँ, जिसने तेरे रथ के पहिए जमीन में जकड़ रखे हैं। बिल्कुल जकड़ रखे हैं। और तीनों लोगों का नाथ त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण भगवान भी तेरे रथ पर बीच में सारथी बना बैठा है। बिल्कुल महाराज। और फिर भी यदि तेरे रथ को तीन कदम पीछे करण बलि ने हटा दिया है तो ये बता दे कि तीन लोगों में कहां जगह छोड़ दी है तुम्हारे और हमारे लिए। महाराज वाक्य में करण, करण बाणाधारी धनुषधारी। नहीं, तू तो ये कह रहा था कि मैं सौ कर्णों से भी जो है टक्कर ले सकता हूँ। महाराज मैं कह रहा था, पर लेकिन जो अहंकार की पट्टी मेरी आंखों पर बंधी थी वो खुल चुकी है, आपने ये बताए। ये तो तीन लाइनें आपने बताई है तीन लाइनों के बाद में, लेकिन ये मुश्किल है। ये जो तेरी लीला है ना अर्जुन, अच्छा, ये जो तेरे जीने की शैली है, हाँ बिल्कुल, ये तुझे बार बार अहंकार में ला देती है, लेकिन मैं तुझे बहुत समझाता हूँ, तेरी समझ में आती नहीं है। मेरी समझ में महाराज आ चुकी है। अब मुझे ये बता दे क्या चाहता है तू। इस रणभूमि में जीत का मार्ग चाहता हूँ और करण से अपने जानों की जान तो एक ही, हाँ, प्राणों की रक्षा चाहते हो। हाँ, प्राणों की रक्षा चाहता हूँ। तो मेरी बात सुन ले अर्जुन, रणभूमि में विजय प्राप्त करना चाहता हूँ। रणभूमि में विजय प्राप्ति का भी तुझे रास्ता बताऊंगा। अच्छा। और इस करण बलि से तेरे प्राणों की रक्षा भी करूंगा। बिल्कुल महाराज, हाथ जोड़कर विनती। दादाजी बताया है कि किसकी तो जीत हुई है, किसकी जीत होगी और किसकी जीत होती रहेगी, ये आपके लिए भी है और हमारे लिए भी। श्री कृष्ण जी ने कहा था अर्जुन से कुरुक्षेत्र के मैदान में, क्या कहा था क्या बताया भला लास्ट में? तू जानते हो हाल जाल माया का रचाओ, भूलो न एहसान जान मेरी करण से बचा दो, भूलो न एहसान जान मेरी करण से बचा दो। जीत किसकी हुई है, किसकी होती रहेगी? सत्य की जीत हुई है महाराज। सुन ले, हाँ। जीत और हार रण में, जीत और हार रण में अपने कर्म की होगी, राजपल उठाओ बाण बात क्या शर्म की होगी। लटन सिंह लड़े जा रण में, जीत तो धर्म की होगी, लटन सिंह लड़े जा रण में, जीत तो धर्म की होगी। हो दे चित चिंता ने मेट रे, चित चिंता ने मेट भेद करा, अब श्री कृष्ण बुराम करूंगा चला दो, दुर्योधन बेईमान।
हेरा दुर्योधन बेईमान हो सुने आइए तू हो पछाली नाच के दिखाइए तू पछाली नाच के दिखाइए तू दुर्योधन बेईमान दुर्योधन बेईमान दुर्योधन बेईमान हो सुने आइए तू हो पछाली नाच के दिखाइए तू पछाली नाच के दिखाइए तू रहे हो। मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ पांचाली ऐसे नाचना है तुझे। ओहो, तो अपनी अदा दिखा रहे हो। मेरी अदा देखी कहाँ अभी तेने। अच्छा कहिए अपनी बात। मेरी ज्यादातर अदाओं को प्रीति जानती है। अदा तो ब्रज बाला नहीं देखी है। हाँ, ब्रज की बाला तो जन क्या क्या देखती है। अच्छा, जिनका नाम ही ब्रज की बाला हो उन्होंने अदाकारी सब कुछ देखी है, लेकिन प्रीति से जो हमारी बहुत पुरानी प्रीत है उन्होंने भी सारा कुछ देखा हुआ है, वो जानती है हमारी अदाकारी के बारे में। झूठ बहुत पुरानी है पांचाली जी, दिखा नाच करके। अच्छा हाँ, दास को चाहिए वो मालिक का दास को चाहिए क्या? अच्छा, अभी तुम्हारी अदाकारी खत्म नहीं हुई है पांचाली, ये तो ऐसी चलती रहेगी। अभी ये जो तेरी मरोड़ है ना, अगर जो तेरी नाक का जो गुस्सा हमने खत्म नहीं किया तो हमको कौरव कौन कहे। अच्छा कहिए, दास को चाहिए वो मालिक का, दास को चाहिए वो मालिक का, सारा हुक्म बजावे रे ओस का पानी दुर्योधन नाम कान किसी के आवे रे ओस का पानी दुर्योधन नाम कान किसी के आवे रे तेरी इमदाद कौन करे। आजा आगी बिल्ली की तरह चकमा दे रही है। हाँ, तेरी इमदादी कौन करे, तेरी इमदादी कौन करे, तू किस पे आस जमावे रे। पांचो पति जिंदा बैठे दुर्योधन भरमावे रे, पांचो पति जिंदा बैठे दुर्योधन भरमावे रे। दासी होते हे रे 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 रे, दासी होते मत ना चुपा लड़िए रे, दासी होते जो तेरा मोटापा है ना पांचाली, इस तेरे मोटापे को छांट देंगे हम डांस करके जब दिखाएंगे। ये आपकी बस की नहीं है, ऐसा हो जाएगा तेरा शरीर जैसा दीप्ति रावत का। ओहो, सुनो ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा ही हो जाएगा। अच्छा बहुत दवाई है हमारे पास, और इधर जो सरपंच साहब ने कैंप भी लगवा रखा है। हाँ, ऑल ट्रीटमेंट, किसी को कोई भी किसी तरह का रोग हो वो चेकअप करवा सकते हैं। जेठ जी, तर 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 तर
तर जीव चले तेरी, तर जीव चले तेरी, जहरी महिना कर बरगी। वैसा कह के मने नचावे देवनाथ की तो बरगी, वैसा कह के मने नचावे देवनाथ की तो बरगी। पाँच पाँच के संग में रहती, पाँच पाँच के संग में रहती, वैसा नाम से क्यों डरती। जगमान भाव ना जाने तेरी आत्मा तो मरती, बैठ जान पे। अंजलि सोच रही है बैठने की। जेठ जी भाई गुरुजी वजन घटाओ देख लीजिए। आप ये देखो कि आपका जाथर कितना है, मेरा कितना है। जाथर तो बहुत है पांचाल, ये स्टील बॉडी है, आपको पता नहीं है। अगर मैं बैठ गई ना तेरी स्टील बॉडी है नीचे को बिचक जाएगी। गदा इस शरीर में असर नहीं कर सकती। अच्छा पर्ची भाले ओहो इस शरीर में असर नहीं कर सकते पांचाली। अभी तुझे मेरी क्वालिटी के बारे में पता नहीं है जेठ जी, लेकिन हम असर कर देंगे। तुम्हारे बाल की सफेद से लग रहे मुझे। तर तर जीव चले तेरी, तेरी तर तर जीव चले तेरी, जहरीली नगर पर वैसा कह के मने नचावे देवनाथ की तो दरगी, वैसा कह के मने नचावे देवनाथ की तो दरगी। पाँच पाँच के संग में रहती ओ वैसे नाम से क्यों दरगी। इज्जत मान भाव ना जाने तेरी आत्मा तो मरगी, इज्जत मान भाव ना बैठ जांग पे, बैठ जांग पे, बैठ जांग पे, बैठ जांग पे, मतना टाइम बिताई रे, बैठ जांग पे, मतना टाइम बिताई रे। दुर्योधन बेईमान, दुर्योधन बेईमान, दुर्योधन बेईमान हो समय आइए रे। ओ जेठ जी अब तेरा बिल्कुल भी शर्म नहीं रही पांचाली। हाँ तेरे उस दिन शर्म थी जब तूने इंद्रप्रस्थ के महल में अंधे का अंधा कहा था। अंधे को तो अंधा ही कह रहे हैं। 6 बार पर खड़ी होकर के तूने ऐसे जो जुल्फों का झटका दिया था। ओहो उस बात को मैं भूला नहीं। उस दिन तो 1 बार झटका दिया था, आज हम 10 बार झटका देंगे। अब तो झटके जितने भी देंगे हम देंगे, तुम्हारे बस का नहीं है बेटा, तेरी बस की कुछ नहीं रहा। और तुझे ऐसे झटके देंगे बिजली के ओहो कि जो तेरी अकल दुरुस्त हो जाएगी। अच्छा ये जो पीछे तेरे 5 पति बैठे ना भी देख ले नाया नौ सुबह थे। मेरी समझ में नू नहीं आ रहा सरपंच जी पीछे क्यों चले गए। सरपंच साहब अपना ठीक बैठे पीछे गौर से देख रहे पीछे से। हाँ इधर देख ले भीम दिख रहा तुझे। दिख रहा जिस पर कुंभे तिरंग पहन रखा है इसने। हाँ काला इसके ऊपर तो मुझे गर्व ही है। इसके ऊपर गर्व मत करे और ये चून के श्री रह गए। ना ना मेरे 5-5 पति है मुझे गर्व है इन बात पे। 5-5 पति बेकार है अभी चुप है अपना काम कर रहे हैं। चुप भी रहेंगे बाम फैला गए। अच्छा ये सुन तू नाचेगी 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 क्या बात है पांचाली तेरे खटके हंस रही है पांचाली के मन में तो है नाचने की। तू नाचेगी सब देखे तू नाचेगी सब देखे मेरे जी पे मरहम लग जाएगा। ओ मेरे नाचने से दुर्योधन काल सो बात के जागा, मेरे नाचने से दुर्योधन काल सो बात के जागा।
जोगे तेरी ओर में है जो बोलिया वो सीढ़ी ऊपर चढ़ जाएगा। रो कुल का नाश करे अहंकार को नहीं जाएगा। पांचाली जी बहुत देर होगी मुझे कहते सुनो तो। जब तू तो ठुमका मारा तो मेरी क्या जरूरत है। ये तो नहारीत सही कर दे काम है, ठुमका मार दे वरना इलाज मेरे पास में और भी है। अच्छा तू वो इलाज कर दे। उस दिन को मैं भूला नहीं हूँ। एक बार गोली का घाव भर सकता है लोगों लेकिन बोली का घाव नहीं भरता। अच्छा ये जो तूने मुझे बोली मारी है ना हाँ। ये आज तक मेरे जिगर के आर पार है। अच्छा उस बात को भूल नहीं सकता। अच्छा मारे दे ठुमका, अरे मारे दे ठुमका मतना टेम दिते रे, मारे दे ठुमका मतना टेम दिते रे। मेरे दुर्योधन दे मान, दुर्योधन दे मान, दुर्योधन दे मान, हो समय आइए तू पंचाली नाच कह दिखाइए तू, पंचाली नाच कह दिखाइए तू। तेरे पाचो पति हारे बैठे ओ, इनकी तो कुट्टी काट दी हारे बैठे, मैं जुए में जीत लिए। चुप है अभी, बिल्कुल चुप बैठे हैं, बिल्कुल शांत। ये हमारे सामने बोल नहीं सकते, ये हमारे दास है और तू हमारी दासी है। ए जेठ जी अभी ये चुप बैठे हैं, अगर एक भी बार ये उठ गए ना अपना संगीत छोड़ के तो तेरे स्टेज पर पता नहीं पाएगा, तेरी प्यास सी फोड़ देंगे ये, समझा ना। आधे विकलांग भी है इनमें, आधे मजबूत पैरों के नहीं है तेरे पति। ये एक टांग से काम कर देंगे। इनके भक्के कौन हाथ आ रहा पंचन, इनके भक्कर के भी हाथ नहीं आएगा कोई। अच्छा ये बेकार है। ठीक है मजबूत है दोनों ही। मजबूत नहीं है हाँ, सारे पंचाली इनकी तो आशी छोड़ दे अब। अच्छा हाँ मेरी बात, तेरे पांचो पति हारे बैठे, पांचो पति हारे बैठे, जो इनकी तरफ लखावे से जितने आज चुप बैठे कले तेरा काल मनिया, जितने आज चुप बैठे तेरा काल मनिया। के औकात तेरी दिया, तू हमसे जीव चलावे से, या है भूल मत करिए हमें जन्म जगत मिटावे से, या है भूल मत करिए हमें जन्म जगत मिटावे से। गौतम भाती रे 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 रे, गौतम भाटी गुरुओं को सी झुकइए रे, गौतम भाटी गुरुओं को सी झुकइए रे। रे दुर्योधन दैमान, दुर्योधन दैमान, दुर्योधन दैमान, होश में आइए रे, हो पंचाली आज के दिखइए रे, पंचाली आज के दिखइए तो। जोरदार ताली हो जाए जोरदार। ओ पावन है
तेरा धाम चहो पावन है तेरा नाम जगत रखवाला रे होए होए जो हड़वाले का धाम बड़ा मतवाला रे जो हड़वाले का धाम बड़ा मतवाला रे पावन है तेरा नाम जगत रखवाला रे जो हड़वाले का धाम बड़ा मतवाला रे जो हड़वाले का धाम बड़ा मतवाला रे जय हो ओ भाई खुलता है किस्मत का ताला खुलता है किस्मत का ताला सीतापुर तेरा धाम निराला खुलता है किस्मत का ताला सीतापुर तेरा धाम निराला खुलता है किस्मत का ताला तेरे सत का तेरे सत का हुआ उजाला रे जो हमारा धाम बड़ा मतवाला रे पावन है तेरा नाम जगत रखवाला रे जो हमारे का धाम बड़ा मतवाला रे मन करे वो नाच सकता है कोई दिक्कत नहीं ठीक है जी चलिए भक्तों का भगवान तो ही है जीव आत्मा प्राण तो ही है भक्तों का भगवान तो ही है जीव आत्मा प्राण तो ही है भक्तों का भगवान तो ही है जीव आत्मा प्राण तो ही है भक्तों का भगवान तो ही है जीव आत्मा प्राण तो ही है रखता है ये गांव रखता है ये क्षेत्र रखता है ये गांव तेरी ही मारा रे जो हड़वाले पतवाला रे पावन है राम जगत रखवाला रे जो हड़वाले का धाम बड़ा मतवाला रे जय हो भक्त नाम धाम जो तेरा रख जा जन्म की व्याधि
कट जाना था जो तेरा जन्म जन्म की व्याधि कट जा ना धाम जो तेरा जन्म जन्म की व्याधि कट जा ना धाम जो तेरा बाबा का नाम रख लिया हाँ। बाबा का अगर जो नाम रख लिया धाम रख लिया तो क्या होता है कट जाता कट जाता लख चौरासी का चारा रे रोहवाले का धाम कदम पटवाला रे पावन तेरा धाम चरण रखवाला रे रोहवाले का धाम कदम पटवाला रे पावन है तेरा धाम चरण रखवाला रे रोहवाले का धाम कदम पटवाला रे रोहवाले का धाम कदम पटवाला रे बोलिए जोड़ वाले महाराज की जय हो सब तरिया क्या कह दे मेरा मन भर जागा मान करण मुझे मुक्ति ना कह माँ कह दे मेरा मन भर जागा मान करण मुझे मुक्ति ना कह माँ कह दे वो सब परिया लाचार हुई हो सब परिया लाचार हुई मेरा जीरो वजन क्या कह दे भर जागा करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे मेरा मन भर जागा करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे मैं पापड़ भर पाई जग में इस जीने के खाड़े तह करण बलि तेरा दोष लगायो मेरे कर्म के माड़े तह मैं माता तू बेटा सह के फायदा बात उघाड़े ते ढूंढ के ही लिकड़ा करते हिरे ते गोलर का फाड़े ते ढूंढ के ही लिकड़ा करते हिरे गोलर का फाड़े ते हरे लाख छुपाओ छुपती नारे लाख छुपाओ छुपती नारे दिल की बात भी माँ के हंसे भर जा कमान करे मुझे कुंती नारे भर जा गवान मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे जानना चाहता हूँ महारानी तो आज वो बात मैं तुझे बताती हूँ कि तेरा जन्म किस प्रकार से हुआ था सुन ले मेरी बात कहिए तेरा एक समय का जिक्र महल में दुर्वासा ऋषि आया था वशीकरण मंत्र सेवा करे दुर्वासा से पाया था मंत्र पे विश्वास करया ना सूरज पे अजमाया था मिटे ऋषि के वचन करण मने मुखारी बजाया था ऐसा कर्म करण वाली को ऐसा कर्म करण वाली को उस जग में कौन भला कहते
बता दिया महारानी कुंती ने। एक रोज का जिक्र महल में दुर्वासा ऋषि आया था, वशीकरण मंत्र सेवा कर दुर्वासा से पाया था। मंत्र पर विश्वास कराना वो सूरज पे अजमाया था, ना मिटे ऋषि के वचन करण, मैंने न्यू क्वारी ने जाया था। ऐसे कर्म करण वाली को इस जग में कौन भला कह दे, मेरा मन भर जाएगा रे मान करण, मुझे कुंती ना कह मां कह दे। एक रोज हमारे राज के अंदर दुर्वासा ऋषि आए, मैंने उनकी सेवा की, उन्होंने मेरे हाथ की लकीर को देख करके बताया आगे आने वाले समय में तुझे पुत्र की प्राप्ति के लिए एक मंत्र में देकर के जाता हूं, जो तुम्हें पुत्र की चाहना हो, जिस भी देव के ऊपर तुम इनका इस मंत्र का आह्वान कर दोगी उसी देव के द्वारा तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। सजनो बता दिया महारानी ने कि मैंने इसलिए तू कुंवारी अवस्था में तुझको जन्म दिया, उस मंत्र पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय मैंने सूर्य देव का नाम लेकर के वो वशीकरण मंत्र सूर्य के नाम से पढ़ दिया और मेरी कुंवारी अवस्था में मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई। मेरे सामने ये मजबूरी रही कि लोकलाज के भय के कारण मैं तुझे अपना ना सकी। क्या कहती है अगली कली में क्या बताया भला, फिर भक्ति भाव भजन सेवा कर सब दुनिया ते खोदी में, क्यों फल का अख्तियार करया जब देल हाथ से बोदी में, लोक लाज और भय के कारण गात रहा न सोती में, तो करण सौंप के आई तने में गंगा जी की गोदी में, तो करण सौंप के आई तने में गंगा जी की गोदी में। माँ आगे अपने जीवन का, माँ आगे अपने जीवन का, बार बार तुमसे निवेदन कर रही हूं कि तुम मेरे पुत्र हो, क्या अभी भी तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है करण? अभी भी मेरा मन संशय में घिरा हुआ है महारानी। संशय में घिरा है? तेरी बातों में मुझे सच्चाई तो लगती है लेकिन चारों तरफ मेरा मन घूम रहा है। अभी मेरा निश्चित एक दिशा में एक स्थिति में मेरा मन संतुष्ट नहीं है। करण अगर तुमने एक बार मुझे अपनी मां नहीं कहकर के संबोधित किया, एक बार मुझे अपनी मां ना कहा तो मैं तेरी मां हूं, तेरी इसी चौखट पर तेरी इसी कतार से अपने सर को अपने धड़ से अलग कर दूंगी मेरे लाल, लेकिन जाऊंगी तो तेरे मुंह से मां सुन करके ही जाऊंगी। सुन ले महारानी कहीं सींचाना पर मेरा लगाया पागे है तू, इस कुंती के लिए जन्म से राग नहीं मेरा है तू, लटन सिंह दिया बता राज बले मेरे कर्म का भागे है तू, मुझे माता कह के बोल शांत हो मेरे पेट की आगे है तू, खाके मरु कटार जो हटके खाके मरु कटार जो हटके, कुंती तेरी जुबा कहते मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कहते, मन भर जागा मान करण मुझे कुंती।
आगे थे जा कमान करण मुझे उनसे आगे भारत।